ओडिशा आसुछंती नरेंद्र मोदी द्वितीय पाळीर शेष बजेट परे ओडिशा रे प्रथम जनसभा को संबोधन करिवे प्रधानमंत्री। बजेट रे प्रतिफलित देश को बड़ अर्थनीति करिवार संकल्प मोदी को फोकस रे देशर चारि स्तंभ महिला गरीब कृषक और युवक। 24 महालढ़ई पूर्वरु कांग्रेस समेत तमाम विरोधी देइछंती छत्रभंग। आईआईएम कैंपस के शिलान्यास के साथ ही ओडिशा के युवा सामर्थ्य को मजबूती देने वाली एक नवीन शिला भी रखी गई है। आईआईएम संबलपुर का परमानेंट कैंपस ओडिशा की महान संस्कृति और संसाधनों की पहचान के साथ ओडिशा को मैनेजमेंट की दुनिया में नई पहचान दिलाने वाला है। सपने नहीं सच बुनते हैं, इसीलिए सब मोदी को चुनते हैं। प्रधानमंत्री को नहीं बीजेपी रही स्लोगान रो आसंता काली मिलवा को जाउची आउ एक बड़ प्रमाण। 3 वर्ष पूर्वरु करिथिले भित्ति स्थापन आउ आसंता काली आईआईएम रो उद्घाटन, एथिपई संबलपुर आसुछंती नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री गस्त अवसर रे पूरा ओडिशा रे उत्साह अछि, विशेष कर कि पश्चिम ओडिशा रे बहुत उत्साह अछि प्रधानमंत्री को स्वागत करिवारे। काली आईआईएम कैंपस रे 68,000 कोटी टंकार प्रकल्प रो लोकार्पण कार्यारंभ परे प्रधानमंत्री आसीबे ऐतिहासिक संबलपुर शहर रो रेमेड पड़िया रे गोटे राजनीतिक सभा रे उद्बोधन देबे। 2024 मसीहार साधारण निर्वाचन पूर्वरु अंतिम बजेट रो तुरंत परे प्रथम जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधन करिबा पई आसंता काली संबलपुर आसंती। लक्षाधिक लोकंकर समावेश हबो, समाजर सबु वर्ग लोकमानक भीतर अत्यंत उत्साह अछि। बजेट रे जो भलिया सबु दायित्व निया जाय छ, 10 वर्ष रे जो भलिया उपलब्धि करा जाय छ, नरेंद्र मोदी आज देशर गरीब महिला युवक और कृषक मानकर आस्थार केन्द्र बिंदु बनिछन्ति। पश्चिम ओडिशा रो प्राणकेन्द्र रे जनतांक सह सीधा सड़क संवाद करिवे प्रधानमंत्री। निज शासन कालर द्वितीय पाळीर शेष बजेट उपस्थापन परे प्रथम थर मोदी करिवे जनसभा को संबोधन। एथर बजेट रे प्रतिफलित होइछि देश को बड़ अर्थनीति करिबा नै मोदी सरकार संकल्प। महिला गरीब कृषक और युवक समाज रही चारि प्रमुख स्तंभ उपरे रहिछि प्रधानमंत्री फोकस। ओडिशावासी को कि आह्वान देबे, 24 निर्वाचन पूर्वरु देश को कि वार्ता देबे प्रधानमंत्री, ता उपरे रहिछि समस्तंक नजर। बजेट एवं निर्वाचन अव्यवहित पूर्व जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त निश्चय ओडिशा राजनीति को प्रभावित कर। G20 हेपारे चंद्रयान हेपारे एवं राम मंदिर जो अवसर आसला प्राण प्रतिष्ठा हेपारे रामलला ये सबू दृष्टिकोण एवं ये बजेट गोटे विकास आगे आकु विकसित भारत 2047 विकसित भारत को आकु नापी जो बार्ता काली संबलपुर रे लक्षाधिक जो अगणित जनसाधारण ए विषय जो अपेक्षा कर लंबा समय धरी प्रधानमंत्री को देखापी शुणापी प्रधानमंत्री वक्तव्य तात्पर्यपूर्ण। देशर नहीं विश्व अर्थनीति नहीं कूटनीति मोदी नेतृत्व में लगातार विजय पताका उड़ाई चली भारत। विश्वर बड़ अर्थनीति करिबा सह देशर गरीब और साधारण जनता महत्वाकांक्षी योजना माध्यम रे प्रधानमंत्री करिछंती सशक्त। मोदी पलटिछंती अद्वितीय नेता, मुंड उपरे साधारण निर्वाचन आउ 24 महालढ़ई आसु आसु विरोधी शिविर रे कंपन। युद्ध पूर्वरु कांग्रेस समेत आईएनडीआई मेंटर तमाम विरोधी देइछंती छत्रभंग। ओडिशा रे भी शीर्षरे मोदी लोकप्रियता और निश्चित भाव में विभिन्न योजना गुड़ाक से घोषणा करेंगे जोटे लोक मित्र बहुत उत्कंठा रही नरेंद्र मोदी आसला कौन कर द्वितीयतः ये जो बर्तमान आगे राजनीति आसूचे जो इलेक्शन आसूची।
ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି ଘୋଷଣା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସେଇଟା ହେବ ଆଉ ପ୍ରାୟ ବହୁତ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଆଇଏମ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।